हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक यम यम। फ्रेंड्स, आम का सीजन है और ऐसे में आम की मिठाई अगर ना खाई जाए तो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम की खास मिठाई लच्छेदार मैंगो बर्फी, जिसे हम बिना मावा, चाशनी, मिल्क पाउडर व कंडेंस्ड मिल्क के बनाकर तैयार करेंगे। यह बनाने में बहुत ही आसान होती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। लच्छेदार आम की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया है। दूध को मैंने डायरेक्ट पैन के अंदर ही लिया है और इसके अलावा बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमें कैसे लेने और किस तरह से मैं तैयार करने वो मैं आपको बताती हूँ। 1.5 कप लिए यहाँ पर मैंने मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए आम को साफ धोकर छील कर बिना पानी डाले मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और जिस चलनी से हम जूस छानते हैं उस चलनी से छान लीजिए। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, हम कोई भी क्वालिटी के आम यूज में ले सकते हैं क्योंकि आम बहुत ही अलग अलग तरह के आते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है थोड़े से खट्टे मीठे आम ही यहाँ पर हमको यूज में लेना है, जिससे बर्फी का कलर टेस्ट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और साथ ही अगर आम का कलर डार्क है तो यहाँ पर आपको फूड कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आम का कलर लाइट है तो थोड़ा सा आप इसमें ड्राई ऑरेंज कलर ऐड कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। 1.5 कप यहाँ पर मैंने कद्दूकस किया हुआ ड्राई कोकोनट लिया है। जब हम मार्केट से ड्राई कोकोनट लेकर आते हैं तो ये वाला जो ब्लैक पार्ट होता है इसे हम पीलर की हेल्प से हटा देंगे और हटाने के बाद इसे हम कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस कर लेंगे, जिससे इस तरह के कोकोनट के लच्छे हमें मिल जाएंगे। इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम लच्छेदार मैंगो बर्फी बनाएंगे तो मैंगो के साथ जब इस तरह के लच्छे बीच बीच में बर्फी में आएंगे तो इससे इनका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और साथ ही यहाँ पर लेना है हमें 1 कप चीनी और 1 टेबल स्पून जमा हुआ घी। चलिए अब हम लच्छेदार मैंगो बर्फी बनाना शुरू करते हैं। अब हाई फ्लेम पर दूध को हम चलाएंगे और 1 बॉईल दूध के अंदर आने देंगे और बीच बीच में इसे हम हिलाते रहेंगे। जब दूध में 1 बॉईल आ जाए इस वक्त इसमें हम चीनी मिला देंगे। और दोबारा से 1 बॉईल इसके अंदर हम आने देंगे। चीनी मिलाने के बाद दोबारा से जब 1 बॉईल आ जाए इस वक्त हम फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। इस तरह का फ्लेम हमें रखना है और 10 मिनट तक दूध को हम बॉईल होने देंगे, क्योंकि इसके अंदर हम मावा बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए दूध को अगर थोड़ा सा हम अच्छे से बॉईल करेंगे तो इसके अंदर मावे का फ्लेवर आएगा। चलिए अब 10 मिनट तक दूध को हम बॉईल होने देते हैं, बीच बीच में इसे हम हिलाते रहेंगे। 10 मिनट के बाद दूध इस तरह से अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ड्राई कोकोनट मिला देंगे, अच्छे से हिलाएंगे और इसे 5 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही चलाएंगे। इस तरह से लच्छेदार मैंगो बर्फी बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें चाशनी बनाने का झंझट भी नहीं होता है और ना ही इसके अंदर हम मावा, मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क कुछ भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। दूध और ड्राई कोकोनट का चलाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से गाढ़ा ये हो चुका है मिश्रण हमारा। अब इसके अंदर हम जो मैंगो प्यूरी हमने तैयार करके रखी है उसे धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे और इसे दूसरे हाथ से हम हिलाते जाएंगे। किनारों से भी हम दूध को हटाते जाएंगे। कलर मुझे इस वक्त लाइट लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें 2 पिंच में ड्राई ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करना है। हम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई से किनारे नहीं छोड़ देता है और जमने वाली कंसिस्टेंसी में ये नहीं आ जाता है। जब मिश्रण इस तरह से गाढ़ा हो जाए इस वक्त इसके अंदर हम घी मिला देंगे।
भी इसे थोड़ा हम और चलाएंगे। मैंने भी ग्लव्स पहना है क्योंकि ये बहुत गर्म है और देखिए इसके छींटे इस तरह से उछलते हैं, इसलिए आप भी हाथ में ग्लव्स पहनकर ही इसे बनाइए या फिर हाथ पर कोई कपड़ा आप लपेट लीजिए। जब मिश्रण इस तरह से गाढ़ा हो जाए और देखिए अब कढ़ाई भी ये छोड़ने लग गया है, इस वक्त हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब तैयार मिश्रण को हम एक स्क्वायर मैंने केक मोल्ड लिया है और इसके अंदर मैंने घी लगा दिया है अच्छे से, इसके अंदर इसे हम फैला देंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्क्वायर मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह की थाली के अंदर भी घी लगाकर इसे जमा सकते हैं। बर्फी के मिश्रण को अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसके ऊपर लंबाई में कटे हुए बादाम और पिस्ता को फैला सकते हैं और नहीं तो आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन चांदी का वर्क गरम गरम के ऊपर ही लगाइएगा क्योंकि गरम गरम के ऊपर लगाने से चांदी का वर्क इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाता है। और अगर चांदी का वर्क नहीं है तो आप बादाम और पिस्ता से इसको गार्निश कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम कोई भी कॉटन का कपड़ा ढक देंगे। अब इसे हम ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे बर्फी अच्छे से सेट हो जाएगी। ओवरनाइट रखने के बाद बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके हम पीस कट कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी बर्फी बनी है। इसी तरह से हम सभी पीस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, लच्छेदार मैंगो बर्फी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब कोकोनट के लच्छे आम के साथ मुंह में आते हैं तो इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।